आइडियल इंडिया टीवी की पावन भूमि पर कर्नाटका में आकर के आप सबका हृदय से वादन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश और कर्नाटका का यह संबंध आज से नहीं हजारों वर्षों का है। प्रभु श्री राम को उनके वनवास के समय सबसे ज्यादा प्रसन्न और सबसे ज्यादा सहयोग कहीं प्राप्त हुआ था तो कर्नाटक की भूमि है, और इसलिए कर्नाटक की इस भूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं। भाइयों बहनों, जो लोग कर्नाटक की भूमि को, जो कर्नाटक आज भारत के विकास में बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है, यहां पर सम्मान्य श्री येदियुरप्पा जी के नेतृत्व में, बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में कर्नाटक का गवर्नमेंट, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार के साथ मिलकर के आज भारत के विकास की यात्रा का एक अभिन्न भाग बना हुआ है। परिणाम है आज भारत दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन रही है। भारत की इस ताकत को जो लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। वही लोग आज कर्नाटक में आकर के एक और पीएफआई और आईएसआईएस के स्लीपर सेल्स को प्रश्रय देने का कार्य कर रहे हैं, और दूसरी ओर बजरंग दल जैसे सामाजिक और राष्ट्रवादी संगठनों को बैन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। भाइयों बहनों, बजरंग दल को प्रतिबंधित करने का मतलब पीएफआई और आईएसआई को प्रश्रय देना है, और हम लोग भारत की धरती को आईएसआईएस या पीएफआई की राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का गढ़ नहीं बनने देंगे। जैसे भारत ने अपनी सुरक्षा को सुदृढ़ किया है, उत्तर प्रदेश ने आतंकवाद, अपराध और माफियाओं की कमर तोड़ी है, ऐसे ही कर्नाटक के अंदर भी पीएफआई और आईएसआईएस की कमर तोड़ दी जाएगी। भैया बहनों, विकास की इस प्रक्रिया का पाठ हम सबको बनना पड़ेगा। आज भारत तेजी के साथ विकास कर रहा है। भारत की टीम लीडर के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन और नेतृत्व भारत को दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में स्थापित कर रहा है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य भारत के अंदर हो रहे हैं। हाईवे का निर्माण, रेलवे, मेट्रो, वाटरवे, एयरपोर्ट, आईआईटी, आईएम, ये नए भारत की नई तस्वीर दुनिया के सामने रखती है। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में आपने देखा होगा, बिना भेदभाव के हर गरीब को पीएम आवास की योजना से लाभान्वित करना, हर गरीब के घर में टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध करवाना, हर गरीब को स्वस्थ ईंधन के रूप में एलपीजी के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाना, हर उस गरीब को जिसके पास सुविधा नहीं है उन्हें 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर दिलाना, और कोरोना कालखंड में भारत के 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देना अकेले भारत के अंदर हुआ है। भाइयों बहनों, और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, एक और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य, दूसरी ओर गरीब कल्याणकारी योजनाओं के कार्य, और इसके साथ ही विरासत का सम्मान, अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण का कार्य हो रहा है, तो काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण भी पूरा हो चुका है। आंजनाद्री में कर्नाटक की येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व की गवर्नमेंट ने
वहां पर भी श्री हनुमान जी के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है। भाइयों बहनों, अब समझ में आ रहा है कि कांग्रेस हनुमान जी का विरोध क्यों कर रही है, क्योंकि हनुमान जी के रहते हुए भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये जितने भी राक्षसी वृत्ति है ये बजरंग बली के सामने धूल दूषित हो जाती है, गायब हो जाती है। और कांग्रेस पीएफआई और आईएसआई को प्रश्रय देकर के ये दिखाने का प्रयास कर रही है कि बजरंग बली को बैन करके वह यहां पर उनके राजक गतिविधियों का अड्डा बनाएगी। इसे बीजेपी और बजरंग दल का कार्यकर्ता कतई स्वीकार नहीं कर सकता है। हमें फिर से कर्नाटक के अंदर एक विकासवादी सोच की, राष्ट्रवादी सोच की, यहां के विरासत का सम्मान करने वाली, गांव गरीब किसान नौजवान महिलाओं के कल्याण के लिए कार्य करने वाली डबल इंजन की बीजेपी की गवर्नमेंट को लेकर के आना है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी आपके बीच में उतारे हैं, विधानसभा भटकल से श्री किशोर कुमार को अपना विधानसभा भटकल से सुनील नायक को अपना प्रत्याशी बनाया है। और कुमटा विधानसभा से श्री दिनकर शेट्टी भारतीय जनता पार्टी के असेंबली के कैंडिडेट हैं। आप सभी लोग इन्हें भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, मेरे साथ हाथ उठा करके बोलेंगे, सभी लोग सहमत हैं? आपका आभार। और मैं आपको आमंत्रण भी देने के लिए आया हूं भाइयों बहनों, अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, जनवरी 24 में कार्य पूरा होने वाला है। और मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आपका आमंत्रण है, भगवान राम का यह सेवक अयोध्या में आपके स्वागत की उत्सुकता से तैयारी कर रहा है। जैसे कार सेवा में कर्नाटक के हमारे बंधुगण आए थे, ऐसे ही राम मंदिर के भव्य उद्घाटन कार्यक्रम में कर्नाटक की भव्य उपस्थिति होनी चाहिए। इसके लिए आपको आमंत्रण देने के लिए आया हूं कि भटकल और कुमटा से भारी संख्या में आप भी अयोध्या उपस्थित होकर के बजरंग बली का भी और श्री हनुमान जी का और श्री राम का दर्शन करें। इस विश्वास के साथ एक बार फिर से श्री सुनील नायक, आइडियल इंडिया टीवी।